हम कुछ लीनियर क्वांटिटीज को जानते हैं, जैसे हमें डिस्टेंस का पता है, उसको हम एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वी इंटू टी होता है। हम वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, हम एक्सेलरेशन के बारे में भी जानते हैं, ये हमारे पास कुछ लीनियर क्वांटिटीज हैं। जब हम एंगुलर की बात करते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी की बात आती है तो वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। और जब एक्सेलरेशन की बात आती है तो हम इस तरह से उसको लिख लेते हैं। देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये लीनियर है। इन दोनों के बीच में हमने अब कनेक्शन डिवेलप करना है। ये आपके पास लीनियर है, ये लीनियर है, ये एंगुलर है, इन दोनों के बीच में हमने कनेक्शन डिवेलप करना है। इसी तरह से ये एंगुलर है और ये लीनियर है, हमने इनके बीच में कनेक्शन डिवेलप करना। अब देखें, अगर मैं ऐसे लिख लूं जो आर्क लेंथ है, मैंने उसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया, अब आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब देखें ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर देखें, हम एक चीज जान गए, S इज इक्वल टू R थीटा। अगर मैं दोनों साइडों पे टाइम से डिवाइड कर दूं, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारे पास है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अब इसको दोनों तरफ हम ऐसा करते हैं टी के साथ डिवाइड कर देते हैं। वेलोसिटी ओवर टाइम इज एक्सेलरेशन, ओमेगा ओवर टी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारा रिलेशनशिप बन गया कुछ लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज के बीच में।